स्टूडेंट एंड गोपी कुमार श्रीवास्तव फ्रॉम आईसीएस सुदाम डी। दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑफ प्रैक्टिकल सम ऑफ आउटपुट मेथड। इन द प्रीवियस वीडियो आई एम ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द आउटपुट मेथड, हाउ टू मेक आउटपुट मेथड, बट नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मेक आउटपुट मेथड क्वेश्चंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगा कि आउटपुट मेथड को आप कैसे बनाएंगे। अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है आउटपुट मेथड तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आउटपुट मेथड को बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं कि आखिर हमारा आउटपुट मेथड कैसे बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ने एक क्वेश्चन लिया है, ये हमारा सेकंड वीडियो है। अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो सेकंड वीडियो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो दोनों वीडियो को आप देखें, ठीक है। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर हमारा क्वेश्चन में क्या कह दिया है। आपको क्वेश्चन ये देगा कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, एनआई मतलब नेशनल इनकम बाय आउटपुट मेथड, और आउटपुट मेथड को ही हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो याद रखिए। और भी बहुत सारा नाम है, सेल्स 10,000 और यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स है जो हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, साथ में सब्सिडी जो गवर्नमेंट हम लोग को छूट देता है टैक्स में, दैट इज सब्सिडी। उसके बाद है NFIA, द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से इनकम आता है। आपको याद होगा डोमेस्टिक इनकम में हम लोग NFI को जोड़ते हैं तो नेशनल इनकम निकलता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग वियोग निकालते हैं कि आखिर वियोग क्या होता है। वियोग मतलब सेल्स वैल्यू आपको पता है, इसका फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज स्टॉक होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स कितना है 10,000, चेंज स्टॉक कितना है 8,000, 7,000। जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मेडिकल क्वेश्चन में दिया है आप उसको देख सकते हैं, और दोनों मिलाकर हमारा 15,000 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहला स्टेप है वैल्यू का आउटपुट से या आउटपुट मेटर से नेशनल इनकम निकालने का पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जिसमें हम लोग GDP एमपी निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है बीओ माइनस आईसी, आईसी मतलब रॉ मटेरियल, बीओ मतलब ऑल फाइनल गुड्स सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज बीओ वैल्यू का आउटपुट, जितना प्रोड्यूस हुआ। बट सारा प्रोड्यूस तो हुआ है पर उसमें कुछ रॉ मटेरियल भी होता है जिसको हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे। तो 15,000 में हम लोग कितना हटा देंगे, इंटरमीडिएट सॉल्यूशन में कितना है 2,000, हम लोग 2,000 को हटा देंगे, तो ये हमारा 13,000 करोड़ हो जाएगा, 13,000 करोड़, ठीक है, 13,000 करोड़ क्या। फिर आप देखते हैं इसका फॉर्मूला होता है GDP माइनस डेप्रिसिएशन। आपको याद रखिएगा ये पूरा सेम है, देखिए सिर्फ जी से एन आना है, जी मतलब ग्रॉस एन मतलब नेट, तो ग्रॉस से नेट आना है तो आपको डेक्शन हटाना होगा, तो डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, डेक्शन हमारा 500 है ना, तो आप यहाँ पे 500 पुट कर देंगे तो ये हमारा 12,500 करोड़ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हमारा अगला स्टेप बढ़ते हैं, इसमें हम लोग आते हैं NDBFC निकालते हैं, NDBFC NDBMP माइनस NIT का फॉर्म होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और इस NIT का जो फॉर्मूला है, NIT का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका IT माइनस सब्सिडी। मतलब जब आप IT को सब्सिडी से घटा देते हैं, IT मतलब GST जितना टैक्स दे रहे हैं, मान ली 12 करोड़ का टैक्स दे रहे हैं और उसमें 2 करोड़ का छूट मिल गया तो वो आपका IT कहलाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1200 करोड़ का टैक्स दे रहे हैं जिसमें 200 करोड़ का गवर्नमेंट छूट दे दिया है, तो 1200 करोड़ में 200 गया कितना बचेगा, 1000 करोड़ बचेगा, मतलब NIT निकल गया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आखिर आप टैक्स दे कितना रहे, तो उसको बोलते हैं हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ देख सकते हैं 12,500 में आप 1000 NIT घटा देंगे तो हमारा बचेगा 11,500 करोड़। शॉर्ट में मैंने CRS लिख रहे हैं, ठीक ना, आप थोड़ा सा मेरे बातों को सुन देंगे तो मेरा राइटिंग भी अच्छे से समझ में आएगा आपको, और आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो हम लोग ने NDPFC निकाल लिया, ऐसी NDPFC को हम लोग डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, तो आप इसको भूले नहीं कि हमारा डोमेस्टिक इनकम भी बिल्कुल है। आप डोमेस्टिक इनकम निकल गया, हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे, हमारा लास्ट स्टेप है। नेशनल इनकम यहाँ से निकालते हैं ना, ठीक, ये हमारा NDPFC को ही हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NDPFC प्लस NAI। NDPFC मतलब डोमेस्टिक इनकम, और NFI मतलब बाहर से जो इनकम आता है,
जैसे आप अपने देश की इनकम के साथ बाहर की इनकम को जोड़ देते हैं वो डोमेस्टिक नेशनल इनकम कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा एनडीपी कितना आ गया, 11,500, यहाँ पर कर दीजिए 11,500। एनएफआई कितना है, देखिए एनएफआई आपका 100, बिल्कुल यहाँ पे 100 ले लीजिए, 100 जमा करेंगे तो आपका 11,600 करोड़ का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया नेशनल इनकम। इसी एनएमपीएफसी को हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, तो आप इसे भूले नहीं, इसी को हम लोग एनआई कहते हैं, एनआई मतलब नेशनल इनकम। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट, बट मैं आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको बनाना होगा और आपको समझना होगा कि आखिर उसको एक क्वेश्चन को आपको ही बनाना चाहिए, ठीक ना। चलिए मैं कुछ बदलाव कर देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 10,000 की जगह मैंने 20,000 कर दिया, यहाँ पे 5,000 की जगह मैं 8,000 कर देता हूँ, यहाँ 2,000 की जगह 1,000 कर देता हूँ, यहाँ पे 200 कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 100 देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 देता हूँ, यहाँ -100 देते हैं। चलिए जब अगर NFIA -100 हो जाए तो आप कैसे उसका आंसर निकालेंगे, ये आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं, समझ के बता सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि आपका आंसर कितना आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है जिसे आप इस मेथड से बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ याद रखिएगा कि ये आपको हमारा क्वेश्चन जो है बन जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये हमारा वीडियो समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो होगा वो हमारा इनकम मेथड पे होगा कि इनकम मेथड में क्या फॉर्मूला होता है और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे होगा, या फिर एक्सपेंडिचर मेथड पे हम बताएंगे और उसका मेथड कैसे होता है, ठीक ना। सो थैंक यू एंड मेक दिस क्वेश्चन, और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप में मेंशन कर सकते हैं मुझे। सो थैंक यू।